जेल से प्रेजिडेंट साहब को फोन उठा नहीं रहे हो कंटिन्यूसली। हमारी बात तो है 5 बजे के बाद मिलेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम लोग नहीं मिलवा सकते। ठीक है, दोपहर से हम फोन से मिलवा रहे हैं, हम लोग लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं और जेल मैनुअल्स में ये है कि परिवार के लोग अगर बेहतर वही बता सकते हैं, हम तो नहीं बात बता तो पाएगी तब तो बात सर फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं ना, उसमें देखिए उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, कोई कंसर्न पर्सन हो जो सर अगर आपके थ्रू अगर बात हो जाए तो ठीक है, जैसा कहेंगे हम लोग कोई उनके आदेश का पालन नहीं किया के बारे में ज्यादा हमसे। अब देखिए इतना दूर से हम लोग आए हैं कैंपेन वगैरह करके इतना महत्वपूर्ण समय पे और तबीयत उनका ठीक नहीं है, बेटा होने के नाते तो 5 मिनट भी मिलवा दीजिए उनसे। नहीं मतलब हम लोगों के लेवल से तो नहीं संभव है पॉसिबल, जब तक प्रशासन अगर जब तक नहीं परमिट करेगी तब तक तो नहीं, लेकिन जैसा हमारी बात हुई है उनसे 5 बजे के आसपास तो उन्होंने बताया कि 5 बजे के बाद हम लोग सक्षम नहीं है मिलाने, लेकिन जेल मैनुअल में है कि परिवार के लोग अगर मिलना चाहें तो जेल सुपरिटेंडेंट पे वही बेहतर बता पाएंगे, तो आप पूछ करके बता दीजिए। एक बार बात करें सुपरिटेंडेंट, हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आप तो किसी को उसमें जो भेज सकते थे वहाँ। नहीं नहीं आप अभी कहना कि उनसे बात हुई कि नहीं, हमारी 5 बजे बात हुई थी उनसे, तो वो बताए कि हम क्योंकि 5 बजे तक हम लोग को पता है, तो हम 5 बजे तक पूछे कि अभी तक ऊपर से किसी का अच्छा, आज नहीं तो कल नहीं सुबह, आया नहीं आया, कल सुबह का भी बता दीजिए, नहीं तो कल सुबह कितने बजे हो सकती है लगा थोड़ा सा उसको देख लीजिए, आज का नहीं तो कल सुबह का बता दीजिए। वेदर कंडीशन भी खराब था ना सर, हेलीकॉप्टर भी डिले हुआ, इसीलिए बात करके बता देंगे कि नंबर आप ले लीजिए। ठीक है भाई, नंबर आप बता दीजिए तो हम यही वेट करते हैं सर हम लोग। नंबर दे दीजिए, नहीं नहीं नंबर हम दिलवा देते हैं, एक बार पूछ के खाली बता दीजिए, नंबर दिलवा दीजिए, नंबर दे लो मनी साटे दे क्योंकि हम जो है पूरी तरीके से वहाँ 12 बजे तक पहुँचे थे और 1 घंटा में सभा जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता था, और हेलीपैड की जो अनुमति दी गई वो 5 किलोमीटर दूर दी गई और पूरा शहर जाम पड़ा हुआ था, वो जाम पड़े होने के कारण जो है हमको हेलीकॉप्टर जो है 1 बजे वापस भेजना पड़ा और हमको लगा कि हम हेलीकॉप्टर जो है वापस परमिशन ले करके फिर से जो है अनुरोध ये मंगा लेंगे। हेलीकॉप्टर का जो परमिशन देने में लगभग 2 घंटे लगा, लाइट ऑन करवाइए, जो एक्सटेंशन जो हम लोग मांग रहे थे कि एक का आप 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, 1.5 घंटा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि वही हेलीपैड है सारी चीज़ें हैं, परमिशन एक्सटेंशन देने की बात जहाँ तक थी तो हम लोगों को एक्सटेंशन भी नहीं मिला, हालांकि 2 घंटे लग गए हेलीकॉप्टर वापस रांची के, फिर जब परमिशन मिला तब तक जो है हेलीकॉप्टर वहाँ से चला, तब तक वहाँ से आप समझिए कि लगभग 4:30 बजे यहाँ से चला तो वहाँ 45 मिनट लगा पहुँचने, और परमिशन जो था वहाँ एकदम जो है आप समझिए कि एकदम धीमा किया गया, ताकि साजिश ये है कि हम लोग जो मुलाकात जो करने का जो आज दिन था वो हम लालू जी से मुलाकात कर रहे हैं, एक तो हेलीपैड इतना दूर वो हमको जानकारी नहीं है कि क्या वजह जो भी वजह, लेकिन जब एक्सटेंशन का परमिशन मांगने गए तो 2 घंटे क्यों लगाया गया, और लगातार हम उसी दौरान से हमको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तब से हम जेल सुपरिटेंडेंट को फोन जो है प्रयास करते हैं कि हो सकता है कि 5 बजे से पहले हम ना पहुँचे, और उसी बीच आपको पता है कि हेलीकॉप्टर आने में देरी इसलिए हो गई और वापस परमिशन ETC का नहीं मिला हमको पलामू से रांची आने का, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था, पूरा अंदर तूफान भर रस्ते हुआ, इस वजह से हमको परमिशन नहीं मिला, तो हम तो लगातार जो मेरी जिम्मेदारी थी इतने दूर से आए, इतने महत्वपूर्ण समय में पिताजी बीमार हैं, तो एक बेटा को मिलने का मौका मिलना चाहिए, तो हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो अनुमति है कम से कम आपको 5 मिनट 10 मिनट या कल सुबह जो आज जल्दी हो सकता है आप उनको दे दीजिए, और जेल मैनुअल के हिसाब से ये है कि परिवार और रिश्तेदार के लोगों को मिलने का जो मौका है
वो जेल सुपरिटेंडेंट आधार पर डिसाइड करता है कि कौन से समय कौन से दिन कौन सी आपत्ति आ जाएगी। हम महीना में दो महीना में एक बार यहाँ आते हैं, हम परिवार के लोग, हम हर हफ्ते तो यहाँ नहीं पहुँचते, हर सैटरडे। तो जब जेल सुपरिटेंडेंट के हाथों में ये है एज पर जेल मैनुअल, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है कि एक पिता जो बीमार है अस्पताल में है, हम उसको देखने तक भी जा सकते, ये परमिशन जो है ये देना चाहिए था। अब देखिए अब झारखंड प्रशासन किस प्रकार का रवैया अपना दिए, क्या है नहीं है, इस चीज़ों को देखिए पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। मिलना मिलाना तो मौका है। अब हम आए हैं अभी एयरपोर्ट पे, अब हम आए हैं यहाँ आए कि चलो, तो कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। और अभी यहाँ देखे जो इंचार्ज हैं उनसे भी हमारी बात हुई सामने, तो वो भी कह रहे हैं उनसे बात हुई, लेकिन बात हो गई कैसे, परमिशन मिलेगा कैसे जब बात ही नहीं होगी, तो कम से कम संपर्क करने में क्या दिक्कत है, हमसे बात हो जाए, हमसे बात करने में मिलाना नहीं मिलना नहीं देना परमिशन ना दे, लेकिन एक वजह बता दे और कम से कम फोन तो रिसीव करें, मतलब डेलीवरेटली फोन रिसीव नहीं किया। अब ये तो उनसे आप पूछिए कि क्या है, अब बेचारे वो भी क्या करेंगे, उनके आका जो लोग हैं आप तो जानते ही है ना, उनके हिसाब से नहीं चलेगा तो अच्छे अच्छे CBI डायरेक्टर बदलेंगे, तो जेल सुपरिंटेंडेंट कौन है आप जानिए ना। सर ये बताइए कि सर ये बार बार जो है इसको लेकर स्पेकुलेशंस हो रहा है कि लालू राबड़ी मोर्चा जो बना है उसका ग्रैंड अलायंस पे अच्छा ग्रैंड अलायंस के प्रोस्पेक्ट्स में बहुत अच्छा है। हम इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे, ये विषय और कोई दिन भी बात की जा सकती है। हम यहाँ अस्पताल के बाहर खड़े हैं इस बारे में चर्चा करने के लिए। आज महागठबंधन पे एक सवाल है तेजस्वी जी कि लालू जी लगातार प्रयास में थे कि झारखंड में भी महागठबंधन स्वरूप ले, 7-4-2 एक पैक फार्मूला जो है तय किया गया। देखिए हम यहाँ मुलाकात करने आए हैं आपसे दिन और रात 24 घंटे यही सब बात का कहना, इसके अलावा और कुछ चर्चा होनी है क्या? लेकिन इस दौर में हम रांची फिर आएंगे कि नहीं आएंगे, हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इस बारे में सोच रहे हैं। और जब आपके साथ जब अच्छा व्यवहार ना हो रहा हो, बीमार हो, अस्पताल में हो, एक नॉर्मल जो कैदी भी जो रहता है उसको भी मिलने का मुलाकात की लोगों को बाबा कहाँ बोले डॉक्टर क्या बोला उस पर एक बाइट ले। और लालू जी तो लगातार जो है कई बार मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कई बड़े बड़े पद पे रहे हैं, तो हम उसका हवाला नहीं दे रहे, लेकिन अगर परिवार के लोग अगर मिलना चाहें तो ऐसा कि उनको मिलने से रोका जा रहा है। आज आप देखे होंगे आनंद सिंह जो है उन्होंने क्या आरोप लगाया नीतीश कुमार पे, अनंत सिंह ने ये आरोप लगाया ना कि ललन सिंह वगैरह भेज करके नीतीश कुमार जेल में फ़ोन पे बात कर किया करते थे उनसे, अनंत सिंह से। इस पर कौन छापा पड़ रहा है, कौन रेड पड़ रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पिता के यहाँ डेली सेल में रेड पर अब मारा जा रहा है किस बारे में। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से नहीं होता है, आप खुद नीतीश जी आप अपना सफाई दीजिए ना, आप अनंत सिंह से क्यों बात करते थे फ़ोन पे जब वो जेल में थे, तो आप तो मुख्यमंत्री थे, आप क्यों अनंत सिंह से बात करते थे? और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, अनंत सिंह लगा रहे, तो अनंत सिंह के आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री को खुद आकर के देना चाहिए, दूसरों को आरोप लगाने चाहिए, अपने गिरफ्तार में झाँक करके देखिए वो है क्या। अब हम क्या कह सकते हैं इसमें, ये डॉक्टर हमारे घर के तो डॉक्टर हैं नहीं जो इस तरह का बयान करेंगे, जो सच्चाई है वो ये कह रहे हैं। ये लोग पूरी तरीके से साजिश चल रही है हमारे पिता को तंग करने की, और पूरी तरीके से मेंटली हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, अंदर पता नहीं क्या हो रहा होगा, ये किसी को नहीं पता, ना कोई संपर्क हो पा रहा है। आप सोचिए हमारे पिता से संपर्क करने की दूर की बात,
जेल सुपरिटेंडेंट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अब ये स्थिति है कि उनका इलाज रिम्स में इसलिए ना रखा गया था कि इलाज हो, अब एक्सरे इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में ना कराया जाए, क्या मतलब है? क्योंकि ये लोग बीजेपी के लोग डरे हुए हैं कि लालू जी का एक तस्वीर ना आ जाए इधर से उधर ले जाते हुए, जो जनता में मैसेज जाएगा, इसलिए ये है कि उनको जो है नुकसान हो जाएगा। तो इसमें जो मेरे पिता का जो इलाज जो होना चाहिए सही ढंग से वो तो नहीं हो रहा, तो इसका कौन जिम्मेदार है? हम पूछना चाहते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो ये तो सारा सर आप लोगों के सामने, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग अन्याय देखते रहे, और हम लोग देखिए सही ढंग से पेश आ रहे हैं, ना हम लोग हिंसक हुए हैं ना मेरे साथ कोई फालतू लोग है। सही ढंग से आए, नियम कायदा को हम लोग पालन कर रहे हैं, अधिकारियों की बातों को मान रहे हैं, हम तो जायज़ तरीके से हम परमिशन मांग रहे हैं। मेरा अगर मकसद होता हल्ला हंगामा वो करना, पोलिटिकलाइज करना, तो बड़ी आसान बात है, लेकिन हम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते। लेकिन जब पिताजी को, जब हम नहीं करेंगे अब जनता करेगी, जनता मालिक है। हम जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है ना तो तारीख तय होती है, जनता फैसला करेगी। फैसला ये तानाशाह रवैया जिन लोगों ने अपनाने का काम किया है, जो साजिश पे साजिश करने का काम कर रहे हैं, उनको सजा देने का काम करेंगे। धन्यवाद।